बंद करो बंद करो। नीतीश सरकार हाय 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 हाय। मगध यूनिवर्सिटी भी से मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मगध यूनिवर्सिटी भी से मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश सरकार हाय 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 हाय। गांव के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो बंद करो बंद करो। वी वांट जस्टिस 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 वी वांट जस्टिस। नीतीश सरकार हाय 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 हाय। नीतीश सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूँ आपके साथ सनी कुमार। मगध विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में जो परीक्षाएं हुई उसके नतीजे अब तक नहीं आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पार्ट थर्ड की परीक्षाएं नहीं हो सकी। ऐसे में आपको बता दें कि जो बैचलर डिग्री 3 साल में पूरी होनी चाहिए उसे पूरी होने में करीब करीब 5 साल तक लग जा रहे हैं इन दिनों बिहार में। ऐसे में आपको बता दें कि इन तमाम चीज़ों के खिलाफ में जो मगध विश्वविद्यालय के छात्र हैं, मगध जोन के स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे पहुँच चुके राजद कार्यालय में, जहाँ पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे वो हैं नहीं, तो उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन जो उनकी मांग है, उन्हें लगता है कि उनकी मांग पूरी नहीं होती है, तो उन्हें यहाँ आना चाहिए थे, इसलिए यहाँ पे पहुँचे। साथ ही तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे स्टूडेंट्स पहुँचे हुए, क्या कुछ बोल रहे छात्र, ये सभी छात्र आए, सुनिए। मैं मगध यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और हम लोग का डिमांड यह है कि 2018 से 21 से लेकर सेशन का रिजल्ट जारी किया जाए और पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम भी लिया जाए। कब से आप लोग के एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है? हम लोग का एग्ज़ाम 2018 से 21 का और लगातार 19 से 22 का भी और 20 से 23 का भी एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। वीसी से बातचीत हुई आपकी? वीसी से हम लोग बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि वीसी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बना दिए गए हैं और हम लोग वहाँ पे भी प्रोटेस्ट को लेके गए थे, पर यहाँ पे उन लोगों ने बोला कि यहाँ से सरकार से दबाव दिया जा रहा है और हम लोग एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं। आरजेडी कार्यालय क्यों पहुँचे हम लोग? आरजेडी का हम लोग आरजेडी कार्यालय ही नहीं, हम लोग सभी जगह जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि 18 से 21 से सेशन से सारे लोगों को रिजल्ट दिया जाए। ये हम लोग बात करने आए हैं इनसे कि हम लोग का मुद्दा उठाएं 18-21 का। हम लोग स्टूडेंट हैं, लेकिन हम लोग का रिजल्ट अभी पार्ट टू का नहीं जारी किया जा रहा है, जबकि 2021 का रिजल्ट हम लोग का 2021 का पार्ट टू का एग्ज़ाम 2021 में अक्टूबर में हम लोग का लिया गया था। 6 महीना होने को है, हम लोग का रिजल्ट नहीं दे रहा है। हम लोग 18-21 के सेशन के हैं, जबकि 21 में हम लोग का ग्रेजुएट पूरा हो जाना चाहिए। 22 हो गया है, अभी तक पार्ट थर्ड का पार्ट टू का कोई भरोसा नहीं है। सरकार गंभीर रहती तो सरकार खुद अपने आप से हम लोग का रिजल्ट निकाल देती और एग्ज़ाम लेती। गंभीर नहीं है इसलिए ऐसा काम कर रही है। सर देखिए, समस्याएं हम लोगों के साथ ऐसी क्रिएट कर दी है ना कि ना हम लोग कोई फॉर्म भर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। कैसे होता है कि हम लोग के पैर में एक बेड़िया बांध दिया गया है यूनिवर्सिटी और सरकार के द्वारा कि ना तुम ग्रेजुएट होगे टाइम पे, ना तुम फॉर्म भर पाओगे, ना फॉर्म भरोगे ना तुम कहीं पर रोजगार पाओगे। एक तरह से समझिए कि 5 साल का चुनाव हो जाता है टाइम पर, 10 दिन में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी का जो 6 महीने से 7 महीने से पहले का एग्ज़ाम लिया गया लेकिन उसका रिजल्ट टाइम पे नहीं आता, और जो कि वो हमारे सीट पे उसका एग्ज़ाम लिया गया था कि 4 दिन में भी आ सकता है। बिहार का MLC चुनाव टाइम पे हो जाता है, एक सरपंच से लेके मुखिया से लेके विधायक से लेके सबका चुनाव टाइम पे हो जाता है, लेकिन हम लोग का क्यों नहीं होता है? राजद कार्यालय क्यों पहुँचे आप लोग? देखिए, राजद कार्यालय हम इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि हम लोग VC के पास भी गए, लेकिन VC के पास भी हम लोग और BJP में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, क्योंकि राजद माननीय तेजस्वी जी एक माननीय युवा नेता हैं जो हमारी मुद्दों को उठाएंगे सदन में, और हमको उनसे उम्मीद है कि वो इस मुद्दे को प्रकाशमय करें मीडिया में, चाहे जो भी है देश में। क्योंकि देखिए सर, एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, बिहार के लाखों, समझिए कि 50 से 60 लाखों के भविष्य के साथ बर्बादी है। मैं एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, बीरकोर सिंह यूनिवर्सिटी, BRB यूनिवर्सिटी, छपरा यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, जितना भी मुंगेर यूनिवर्सिटी, बहुत सारा यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा ही खिलवाड़ हो रहा है, ओनली ऑल एक्सेप्ट फ्रॉम मगध, ये पटना यूनिवर्सिटी एंड पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। दे जस्ट नो हाउ टू डिस्ट्रॉय द कैरियर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपने सुना, ये सभी छात्र ने बता दिया कि जो इनकी परेशानी थी, जो बैचलर डिग्री 3 साल में पूरी होनी चाहिए थी उसमें 5 साल तक लग जा रहे हैं। साथ ही साथ जो परीक्षाएं होनी चाहिए थी वो परीक्षाएं नहीं हो रही है, नतीजे एग्जाम के नहीं आ रहे, ऐसे में लोग नाराज हैं और यहाँ पे पहुँचे हुए। ऐसे में आपको बता दें कि जो छात्र नेता दिलीप हुए वो इनके साथ हैं और उन्होंने भी इनका समर्थन किया। समर्थन करते हुए छात्र नेता दिलीप क्या बोलते हैं, आइए देखिए।
देखिए शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बिहार में ध्वस्त हो चुकी है और सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है, नीतीश सरकार। और मगध यूनिवर्सिटी का जो देख रहे हैं अभी हम लोग परेशान हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं, स्टूडेंट्स के साथ साथ हम भी परेशान हैं क्योंकि हमारे पास भी फ़ोन आता है। और आज आंदोलन भी हो रहा था पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ के गार्ड द्वारा बंदूक तान दिया गया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। 18-21 सेशन का ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए था 2021 में, अभी तक पार्ट टू का रिजल्ट नहीं आया है। तो इन लोग का क्या है, इतना ही अपराध है ना कि ये लोग मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए, क्या ये अपराध है इन लोग का? अगर ये अपराध है तो फिर सरकार ये घोषणा कर दे कि मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले कोई एडमिशन नहीं लेगा। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि एडमिशन ले किया, ये लोग जो सो भुक्तभोगी बन रहे हैं, कोई वैकेंसी आ रही है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में पूरा नहीं हो पाया है, तो ये तो कहीं ना कहीं लोग के साथ ना इंसाफी हो रहा है, गलत हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम अंतरात्मा से पूछे नीतीश जी कि क्या इन लोगों के साथ जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ये लोग नौकरी तो नहीं मांग रहे, पैसा तो नहीं मांग रहे, ना कोई बंगला मांग रहा है, ये लोग सिर्फ ये इतना कह रहे हैं कि जो हमने एडमिशन लिया, पैसा दे के एडमिशन लिया, तो डिग्री समय पे दे दीजिए, पढ़ाई तो नहीं होती है, कम से कम डिग्री समय पे दे दीजिए, वो भी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। आगे अब क्या करेंगे लोग? आगे आंदोलन हम लोग का लगातार चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा और सरकार और छात्रों के बीच ये आंदोलन का सिलसिला जारी हुआ है, आगे भी जारी रहेगा, जब तक कि इन समस्त छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो आपने देखा छात्र नेता दिलीप ने अपनी प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पे आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप लगातार जो है तमाम चीज़ों को लेके सरकार का विरोध करते, सरकार का जो कामकाज है शिक्षा के प्रति उसको लेकर उजागर करते रहते, तमाम जो मामले उसका उजागर करते रहते हैं। ऐसे में जो तस्वीर है अभी, वह तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं सभी छात्र राजद के प्रदेश कार्यालय में। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें लाइव इंडिया।